बुखार पड़ी हाँ बहुत ज्यादा आ रही यूं आके बीच लिए ऐसे करके फाउंटेन शो था और जबरदस्त शो था एक दुबई में जिस तरह से हो रहा होता है बिल्कुल उसी तरह से बड़ा ज़बरदस्त मज़ा आया प्लेस आप लोग देख सकते हैं और ये पूरा एरिया मखसूस है जो साइट जो बस में ट्रैवल करता है और देखना आता है इनके लिए वरना आप देख सकते हैं पीछे रश बहुत है जनरल पब्लिक के लिए पीछे बहुत रश है अगर आप इस बस में आते हैं तो ये जगह आपको बिल्कुल खाली मिलती है आप गरीब भी जाके देख सकते हैं दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग और आज बैरियर टाउन जा रहे हैं ईद का थर्ड डे है और कुछ एक्टिविटीज़ हैं स्पेशल बैरियर टाउन में और ईद के तीनों दिन तो जाके देखते हैं क्या सीन है रश तो काफ़ी है और आप लोगों को दिखाते हैं कि कौन कौन से एक्टिविटीज़ आज हम इंजॉय करेंगे स्टे ट्यून्ड और रश देख सकते हैं आप लोग ऐसा लग रहा है आधा कराची यहीं पहुंचा हुआ है अंदर जाके दिखाते हैं कुछ स्पेशल एक्टिविटीज़ हैं तो देखते हैं क्या सीन और जी ये देखें ये मलिक रियाज जो ओनर हैं बैरियर टाउन के उनका घर है देख सकते हैं पहाड़ पे ज़बरदस्त व्यू है आप चेक करें जो कि जिन्होंने बैरियर टाउन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था उन्होंने अपने लिए यहाँ पे एक घर बनाया हुआ है और ये चेक करें आप और भाई ये मस्जिद इनकी ग्रैंड बैरियर टाउन की यहाँ पे सबसे पहले हम असर की नमाज़ पढ़ते हैं मस्जिद भी दिखाते हैं आपको भाई ये वाली मस्जिद तो बंद है अभी और इन प्रोसेस है अभी बन रही है तो किसी का प्लान हो यहाँ पे आके इस मस्जिद के अंदर जाने का तो वो ना आए क्योंकि ये अभी क्लोज है कंस्ट्रक्शन हो रही है अभी तो कोई और मस्जिद जाते हैं वहाँ पे नमाज़ पढ़ेंगे और जी कार्निवल आ गए और एक्सट्रीम रश है 100 रुपीस टिकट है भाई कार्निवल की और फर्स्ट टाइम आए बैरियर टाउन कार्निवल में बेसिकली साइट सीइंग के लिए आए थे यहाँ पे यहाँ से बस चलती है जो कि पूरा टूर करवाते हैं बैरियर टाउन में तो 8 बजे की टिकट मिली है हमें 200 रुपीस चार्जेस हैं और हर एक घंटे बाद बस चलती है उसमें भी दिखाएंगे आपको और पहले कार्निवल इसलिए आ गए कि अभी मगरिब का टाइम हो गया नमाज़ वगैरह पढ़ेंगे और इंशाल्लाह 8 बजे वाली उसमें बस में हम लोग जाएंगे भाई ये कार्निवल के अंदर का एरिया है मोर ऑफ लाइक एक फूड स्ट्रीट है ऐसे आपने नॉर्मली फूड ग्रैंड वगैरह पे भी देखी होंगी तो जस्ट एक फूड स्ट्रीट है यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं है बच्चों वगैरह के लिए 100 रुपीस चार्जेस हैं एंट्री फीस और खाना शाना खाना है अगर किसी को तो वो आ सकता है अंदर कार्निवल से वापस जा रहे हैं और बहुत रश बहुत क्राउडी प्लेस था तो इतना मज़ा नहीं आया यहाँ पे लाइक फूड स्ट्रीट टाइप है और अंदर कोई एक्टिविटी नहीं है और अब जा रहे हैं साइट सीइंग बस में जिसकी 200 रुपीस टिकट है और 1 आवर का इनका पूरा जो है वो 1 घंटे का ट्रिप होता है तो वो भी दिखाएंगे आपको और ये बस देख लें ये बस होती है और इसकी पर हेड 200 रुपीस टिकट है और हर 1 घंटे बाद चलती है 6 बजे से जैसे 6 बजे एक बस चलेगी फिर नेक्स्ट जो है वो 7 बजे चलेगी और फिर 8 बजे इस तरह से 10 बजे तक इसका लास्ट टाइम है ये देखें भाई इस तरह की बस है जैसे आपने मदीना में भी देखी होगी लाइक पूरा जो मदीना का सिटी टूर जो होता है तो एक अच्छी सर्विस है दिखाते हैं क्या क्या विजिट्स करवाते हैं लोग तो आप लोगों को दिखाएंगे
बस में हम लोग बैठ चुके हैं और टूर स्टार्ट हो चुका है। बारे में बता रहे हैं यहाँ के स्पीकर जो हैं, तो एक ज़बरदस्त एक्सपीरियंस। इस तरह से मक्का मदीना दुबई वगैरह में सर्विस चल रही है, बैरिया टाउन वालों ने भी स्टार्ट की हुई है, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस। डाउनसिंग फाउंटेन पे आ गए और यहाँ पे 15 मिनट्स का स्टे है और ये साइट सीइंग का जो टूर होता है 15 मिनट्स का गैप होता है यहाँ पे फाउंटेन शो के लिए। फाउंटेन शो स्टार्ट होने वाला है। बिल्कुल उसी तरह से बड़ा ज़बरदस्त मज़ा आया और प्लेस आप लोग देख सकते हैं। और ये पूरा एरिया मखसूस है जो साइट जो बस में ट्रैवल करता है और देखना आता है इनके लिए, वरना आप देख सकते हैं पीछे रश बहुत है। जनरल पब्लिक के लिए पीछे बहुत रश है, अगर आप इस बस में आते हैं तो ये जगह आपको बिल्कुल खाली मिलती है, आप गरीब भी जाके देख सकते हैं। 10 मिनट्स का शो होता है और इसी तरह से बस जो है वो 15 मिनट रुकती है, ये शो कंप्लीट होता है तो फिर वहाँ जो है वो बस की तरफ वापस जाना है और अपना रूट कंप्लीट करना है। ट्रैवल आईफिल टावर की तरफ जा रहे हैं हम, एक और अच्छी प्लेस जो है बैरियर टाउन में। भाई ये सीन है यहाँ पे, आप अगर इंडिविजुअल आते हैं अपनी गाड़ी में या तो यहाँ से आप ऊपर भी जा सकते हैं, शायद 1000 रुपीज़ चार्जेस हैं और उसके आप टॉप तक जा सकते हैं। स्टेडियम है जो कि अभी ऑपरेटिव नहीं हुआ है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, क्रिकेट स्टेडियम बैरियर टाउन। और जी टूर तो एंड हो गया है, साइट टूर, और बड़ा ज़बरदस्त सा एक्सपीरियंस था। तकरीबन 1 घंटा और 20 मिनट की राइड थी जिसमें डिफरेंट स्टॉप्स पे हम रुके और चीज़ें देखी, तो ये बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। अगर बैरियर टाउन कोई भी आ रहा है तो हम रेकमेंड करते हैं कि ये चीज़ ज़रूर इंजॉय करें और वर्थ इट है। 200 रुपये की टिकट है, उसमें ज़बरदस्त आपको घुमा फिरा देते हैं। वीडियो एंड करते हैं अपनी, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें। थैंक यू।